हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 8 और 9 दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो आपने अभी तक पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, उसके कजिज क्या क्या है, मैंने आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में जाएंगे कि एक्चुअल में इंसिडेंट्स क्या हुआ था, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दी आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, किस तरह से रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। लुई 16th हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस? लुई 16th टैक्सेस को इंक्रीज करने की बात करता है, और ये आप पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि वो क्यों टैक्स को इंक्रीज करना चाहता है। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस? आप क्या सोचते हैं कि वह ऐसा किस तरीके से कर सकता था? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। जो ओल्ड रेजिम था फ्रांस का, ओल्ड रेजिम मीन्स जो 1789 के पहले का जो टाइम था, उसमें मोनार्क के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो अकेला टैक्सेस को इम्पोज कर सकता, लोगों के ऊपर लगा सकता। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। और एक मीटिंग बुलानी होती थी एस्टेट्स जनरल्स की, तब वो प्रपोजल अपना पास करता नए टैक्सेस के लिए। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री एस्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो एस्टेट्स जनरल थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें सभी एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन मोनार्क ही ये डिसाइड कर सकता था कि ये मीटिंग कब बुलानी है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614, और लास्ट टाइम यानी कि इससे पहले जो ये मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, यानी कि 175 ईयर्स एगो, बिफोर, इससे पहले। अब देखिए वो किस तरह से मीटिंग बुलाता है और क्या करता है। ऑन 5th May 1789 लुई 16th कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। वो मीटिंग बुलाता है सभी एस्टेट्स जनरल्स की 5th May को, ताकि जो प्रपोजल है उसे पास किया जा सके नए टैक्सेस के लिए। आर स्प्लेंडेंट हॉल, और एक रॉयल, रिस्प्लेंडेंट होता है शानदार, रॉयल जिसको हम कह सकते हैं, इन वर्साइल्स वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। और प्रिपेयर किया गया वर्साइल के अंदर एक हॉल, रॉयल हॉल जिसको बोलते हैं, ताकि उनको होस्ट किया जा सके, उनकी मेज़बानी की जा सके डेलीगेट्स की। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स एंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाय इट्स मोर प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर्स रहते थे, और थर्ड एस्टेट से जो है वो 600 मेंबर्स रहते थे। बट थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स को, आर्टिसंस को और विमेन को अलाउ नहीं था असेंबली में। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेज एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। और जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, ग्रीवेंसेज होता है प्रॉब्लम्स या दुख, वो 40,000 लेटर्स में लिखे गए थे, लिस्ट बनाई गई थी उनकी, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनको अपने साथ लेकर आए थे। अब आपको मैंने बताया था कि किस तरह से वोटिंग होती थी, कि थ्री ग्रुप्स थे, तो थ्री ग्रुप्स का एक एक वोट माना गया था, और जिसके पास टू वोट्स होते थे उस रूल को अप्लाई कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, यही करने की कोशिश की लुई 16th ने। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल।
वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, बट थर्ड स्टेट ने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है उसको तो टैक्स देना नहीं है, अब टैक्स इंक्रीज होगा तो कौन देगा, थर्ड स्टेट है वो देगी, अब थर्ड स्टेट देगी तो ये दो वोट तो वो तो डालेंगे अपने एक तरफ, थर्ड स्टेट का एक वोट रहेगा तो ये मेजोरिटी में रहेंगे तो इनकी बात मान ली जाएगी, वो रूल अप्लाई कर दिया जाएगा, बट इन्होंने अब थर्ड स्टेट ने इसको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब हर एक मेंबर का एक वोट होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जिसे रूसो जैसे फिलोसफर ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ाया। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, और किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और वो जो है इन्होंने असेंबली का वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट कर गई कौन, थर्ड स्टेट के मेंबर। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के वो अपने आप को फ्रेंच नेशन का स्पोक्समैन मतलब डिक्लेयर कर रहे थे, देख रहे थे अपने आप को। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. और 20 June को एक indoor tennis court में इकट्ठे होते हैं Versailles में, वो अपने आप को एक national assembly declare कर देते हैं and swore, और वो शपथ लेते हैं, swore होता है oath लेना, कसम खाना, कि वो जब तक disperse नहीं करेंगे अपनी assembly को तब तक ये constitution of France के लिए न बन जाए जो monarch की power के ऊपर limit रखेगा। They were led by Mirabeau and ABCA, और इनकी लीडरशिप की मिराबे और ABCA ने। मिराबे वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, जो मिराबे था वो नोबल फैमिली में उसका बर्थ हुआ था, बट वॉज कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस्ड होता है विश्वास रखना, किसी चीज़ में बिलीव रखना, ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, और वो कहता था कि जिस तरह से बर्थ के अकॉर्डिंग जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, जो फ्यूडल राइट्स मिले हुए हैं, सामंतशाही व्यवस्था जो थी उसको अब दूर हटा देना चाहिए। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, वह एक पत्रिका निकालता है एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्स एट वर्साइल्स। ABCA वो एक प्रिस्ट था और उसने एक पैम्फलेट निकाला, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उसके बाद है आपका While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जब National Assembly जो constitution बनाने में busy होती है Versailles में, the rest of France seethed with turmoil, turmoil होता है anxiety, चिंता, seethed होता है किसी चीज़ की बढ़ोतरी होना, यानी एकदम से उबलना कोई चीज़, तो पूरा फ्रांस जो है बाकी का वो अब चिंता में उबल रहा था। A severe winter had meant a bad harvest, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर थी और इस तरह से ये इसका मीनिंग था कि बैड हार्वेस्ट की फसल ख़राब होने वाली थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, और जो ब्रेड के प्राइस हैं वो बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और कई बार बेकर्स जो हैं वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते थे, यानी कि वो सप्लाई को रोक देते थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, और इस तरह से बेकरी में कई बार लंबी लाइनें लगी होती थी। Crowds of angry women stormed into the shops, और angry women जो है वहाँ पर कई बार झगड़ा भी कर लेती थी। At the same time, the king ordered troops to move into Paris, और इस तरह से जो है king troops को order देता है, army को order देता है कि वो Paris में एक move करे Paris की तरफ, और 14 जुलाई को जैसे आपको पता है कि Bastille किले के साथ क्या होता है, ये event आप पढ़ चुके हैं। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. और इस तरह से जो लोग हैं, एक अफवाह rumors फैल जाती है गांव से गांव में कि जो manor होता है जागीर, estate के जो lords हैं, यानी कि जो feudals हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने brigands होता है robbers, लुटेरे, उनको हायर किया है ताकि वो उनकी राइप क्रॉप्स जो है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकें, उनकी पकी हुई फसल को ख़राब कर सकें। कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, और वो सभी इस तरह से एक डर में हैं।
गुस्से का डर जो होता है उसके अंदर है वो। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होइज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक्ड शैटेक। और इस तरह से कुछ किसान जो हैं वो अपनी कसी और जो डंडा कह सकते हैं पिच फॉक्स, जिसके जो नुकीला होता है, और वो सेटेक के ऊपर अटैक कर देते हैं। सेटेक होता है पैलेस। दे लुटेड होर्डेड ग्रेन्स, और वे जो ग्रेन इकट्ठा किया हुआ होता है उसको लूट लेते हैं। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेनोरियल ड्यूज, और जो फ्यूडल ड्यूज वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो जला देते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। वो अपने घरों से भाग जाते हैं और कुछ विदेश में चले जाते हैं, दूसरे कंट्री के अंदर चले जाते हैं। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब लुई 16 एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार हूँ। ऑन द 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ट अ डिक्री, डिक्री होता है ऑर्डर, एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। वो फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर देती है ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, जो ऑब्लिगेशन और टैक्सेस पर डिपेंड था। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, तो वो अपना प्रिविलेजेस, अपने स्पेशल राइट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। टाइथ्स को ख़त्म कर दिया गया। टाइथ्स मीन्स जितने भी फसल होती थी उसका 1/10, यानी कि उसका 1/10 जो पार्ट है वो पैलेस को देना होता था। और उसके बाद इस तरह से रिजल्ट ये आया कि गवर्नमेंट ने 2 बिलियन लिवरेज जो है वो कलेक्ट कर लिए। कहाँ से? कलर्जी से, जिनको स्पेशल राइट मिले हुए थे उनसे।